आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। तकदीर ने लूटा है बसेरा, मेरा लूटा है बसेरा। क्यों उन्हें दिल दिया, हाय ये क्या किया। शीशे को पत्थर से टकरा दिया। दोस्तों, आज जिस मशहूर हस्ती की मैं बात कर रही हूँ, वो कहते थे कि मैं 1910 में पैदा हुआ था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में मेरी पैदाइश हुई, मेरा जन्म हुआ 1935 में, और वो थे मशहूर हीरो और सिंगर सुरेंद्र नाथ। संगीत मेरी जागीर नहीं है, मगर मेरी जिंदगी जरूर है। मिलिए सुरेंद्र नाथ जी से। नमस्कार सुरेंद्र जी। आप फिल्मों के उस दौर से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, जब फिल्मों में प्लेबैक सिस्टम शुरू नहीं हुआ था। मैं काफी एंटीक हूँ, मेरे हाथ पांव नाक कान सब कुछ हैं, लेकिन पुराने जमाने का आदमी हूँ। मेरी पैदाइश फिल्म इंडस्ट्री में अक्टूबर 1935 को हुई, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत था कि अच्छे लोग मिले, अच्छे गाने मिले। लेकिन जहाँ तक के गानों का संबंध है, ये काफ़ी अरसे तक, साल दो साल तक मेरे आने के बाद भी प्लेबैक जो था वो नहीं था, और हम अपने गाने खुद ही गाया करते थे। इसमें बड़े बड़े अजीब वाक़यात याद आते हैं। एक तो ये है कि डायरेक्टर साहब खड़े हैं एक फरलांग पर बीट देने के लिए, और ऑर्केस्ट्रा कहीं और है, और हम किसी अच्छी सी लोकेशन पर, रोमांटिक लोकेशन पर खड़े वो गाने गा रहे हैं। और कमाल यह है कि इस तरह होने पर भी गाने हिट होते थे और सुर में होते थे। अच्छा सुरेंद्र जी, लोग अक्सर पुरानी बातों को भूल जाते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन अचानक कभी कोई वाकया ऐसा हो जाता है कि पुरानी यादें एकदम से ताज़ा हो जाती हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों पाकिस्तान से नूरजहां बेगम आई थी हिंदुस्तान। भूलना तो ज़रा बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने कहा है कि नूरजहां आई तो बहुत खुश हुए लोग, हम सब बहुत ही खुश हुए, और वो भी उसी तपाक से मिली जैसे कि हम समझते थे कि मिलेंगे, और वो आज भी उसी तरह हर दिल अजीज हैं, मशहूर हैं और लोगों के दिलों में हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये न मालूम ये किसकी सजेशन थी कि एक डुएट गाओ और अपने पार्टनर को लो, साथ ही मत लो। अब है तो कुछ नहीं, हमारी मेहमान थी, हमने कहा ठीक है आप ही गाइए, और उन्होंने बहुत अच्छा गाया। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आवाज मेरे दिल में उम्मीद जहाँ है। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, बर्बाद तू कहाँ है। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है। बेदर्द आसमां है दुनिया मेरी जवां है। सुरेंद्र जी, अब मेरा दिल मचल रहा है, और साथ साथ सब चाह रहे होंगे कि मैं आपसे गाने की फरमाइश करूं। और ये खुशी ये है कहे ये दिल में छिटकी हुई है चांद में, हम
बहुत ही मजा आया और हम खुशकिस्मत हैं कि ये लम्हात हमने पिक्चराइज करके प्रिजर्व कर लिए ताकि आने वाले लोग भी हमें ये देखें। दोस्तों ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने सुरेंद्र नाथ जी के साथ भी काम किया और वो भी 1947 में। उनकी बेटी का रोल मैंने किया था और उस फिल्म का नाम था मझधार। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे सोहराब मोदी। उस फिल्म में मेरा एक डायलॉग बहुत ज़्यादा हिट और मशहूर हो गया था। छोटी सी थी मैं और मैं कहती थी तो लाओ बाबूजी ये गाना। वो इतना मशहूर हुआ कि जब वो सीन आता था, वो शॉट आता था, तो पब्लिक जो थी सिनेमा देखने वाली, वो स्क्रीन पे इकन्नियों पे इकन्नियाँ फेंकती रहती थी। 1987 में सुरेंद्र नाथ जी ये दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन जब तक हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री रहेगी और लोग उनके गाने सुनते रहेंगे और फिल्में देखते रहेंगे, उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। बस ऐसी बातें भी बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।